कल जिस तरीके से शबीर शाह की उन्होंने एक रिहाई कर दी एक केस में, तो आने वाले दिनों में हम पूरा उम्मीद रखते हैं कि ये सब चीज़ें लोग जो है आज़ाद हो जाएंगे, एक नया कश्मीर बनेगा। और उसके साथ साथ क्योंकि बेगुनाह लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है, अदालतों के चक्कर खाने पड़ते हैं, तो अपनी सफाई देते देते जिंदगियां गुजर जाती हैं और तब भी सफाई नहीं मिलती। जो बेगुनाह लोग जेलों में बंद है, और हमारा ये मानना है कि जो पॉलिटिकल लीडर भी बंद है, और उसके साथ साथ स्टोन पेल्टिंग में लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, हम ये चाहते हैं कि सब लोगों को आम माफी दी जाए। देखिए थोड़ा सा, एक तो जो नौजवान जेलों में बंद है, खास करके जिनके जो बेगुनाह लोग जेलों में बंद है, और हमारा ये मानना है कि जो पॉलिटिकल लीडर भी बंद है, और उसके साथ साथ स्टोन पेल्टिंग में लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, हम ये चाहते हैं कि सब लोगों को आम माफ़ी दी जाए। कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉजिटिव रिएक्शन आई, जो हमने डिमांड रखी थी सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और अपने गठबंधन नीतीश जी एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने। और कल जिस तरीके से शबीर शाह की उन्होंने एक रिहाई कर दी एक केस में, तो आने वाले दिनों में हम पूरा उम्मीद रखते हैं कि ये सब चीज़ें लोग जो है आज़ाद हो जाएंगे, एक नया कश्मीर बनेगा। और उसके साथ साथ क्योंकि बेगुनाह लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है, अदालतों के चक्कर खाने पड़ते हैं, तो अपनी सफाई देते देते जिंदगियां गुजर जाती हैं और तब भी सफाई नहीं मिलती, एफआईआर्स में नाम है, नौकरियां नहीं मिलती, रिश्ते नहीं मिलते। तो एक आम माफ़ी जम्मू कश्मीर के स्टोन पेल्टर्स को दी जाए, जो हमने रिप्रेजेंटेशन रखी है, जो हमने हिंदुस्तान के आईवान में इस बात को रखा है, और हमने नीतीश जी के सामने ये प्रपोजल रखा है, और ऑलमोस्ट 20 जुलाई को नीतीश जी भी आ रहे हैं जम्मू कश्मीर, और उस सिलसिले में हम लोग पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें जो है ठीक होगी, और स्टोन पेल्टर्स को भी रिवोक किया जाएगा केसेस, और उसके साथ साथ आपके जो बेगुनाह लोग जेलों में हैं, जिन माँ बहनों के पास किराया भी नहीं है उनके पास पहुँचने के लिए, जो लोग आगरा या बाकी जेलों में नहीं पहुँच सकते, और उनके जो बच्चे हैं उनको भी छोड़ दिया जाए, और उसके ऊपर हमारी पार्टी नीतीश जी नरेंद्र मोदी जी जो है बिल्कुल वादाबंद है, और आने वाले दिनों में एक नई सुबह का आगाज जम्मू कश्मीर से ज़रूर होगा।